हेलो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं घाट के तरफ और आज पहला अर्घ डे है सांझ का। तो अभी हम आपको पूरा घाट पर व्यू दिखाएंगे। तो देखिए मम्मी पीछे आ रही है। तो देखिए गाइस, हम लोग का दौरा निकल चुका है और ये सामने से जा रहा है मेरा भाई दौरा लेकर, और ये पीछे परिवार आ रहा है। तो देखिए गाइस, ये दौरा लेके जा रहे हैं हम दोनों। तो छठ पूजा का ये रिवाज है, जब भी कोई दौरा लेके निकलता है तो उसके दौरे में फल और फूल दिया जाता है। तो देखिए, अभी दौरा लेके मेरा भाई सामने जा रहा है, पीछे परिवार आ रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी हम थोड़े दूर जाके रोड पर निकल जाएंगे और वहाँ से व्यू दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पंडाल लगा है और छठ पूजा में हर रोड के बीच में पंडाल लगाया जाता है और वहाँ पे फल दिया जाता है। तो देखिए, हम मम्मी के साथ जा रहे हैं और ये मम्मी है, तो पूरे व्लॉग में बने रहिए गाइस, वो पीछे देख सकते हैं। तो सच बताएं गाइस, तो बिहार में छठ पूजा को अलग लेवल से ही सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर छठ पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह सेलिब्रेट होता है और हर जगह पंडाल लगा रहता है, क्योंकि इसका शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और यहाँ हर जगह जगह पे एक स्पीकर लगे होते हैं, ब्लूटूथ से बाजा बजाया जाता है। और सही बताया तो बहुत ज़्यादा लाउडली यहाँ से आवाज़ आ रहा है। मैंने सारे आवाज़ को ऑफ किया है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सब ऑफ कर दिया है। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और पूरी भीड़ घाट की तरफ अभी जा रहा है। तो मैंने जैसा कहा था कि यहाँ पे जगह जगह पर पंडाल लगाया जाता है। तो देखिए, सामने पंडाल है और आगे भी बहुत सारे पंडाल हैं, तो वो भी दिखाएंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, और रात के समय में तो ये और सुंदर लगता है। तो देख सकते हैं इधर भी लगाया गया है, इधर एक मूर्ति बैठाया गया है सूर्य देव का और उसको पूरा सजाया गया है स्टेज पर, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है और अच्छा लग रहा है देखने में। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस, ये देखिए, हम वीडियो बना रहे हैं और अभी हम आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाएंगे कि यहाँ का रियल व्यू कैसा आ रहा है, रियल में फील कैसा आ रहा है यहाँ पर घूमने का। अभी हम थोड़ा सा क्लिप उस पर दिखाते हैं आपको। तो फाइनली हम रोड पर पहुँच चुके हैं और आगे से भी भीड़ आ रहा है और पीछे से भी, और सीधे जाते जाते हम डायरेक्ट घाट पर मिल जाएंगे। और आगे जो है सबसे बड़ा पंडाल लगाया गया है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो गाइस, यहाँ पर काफ़ी शोर है बट मैंने सबको म्यूट किया इसलिए आपको सुन नहीं पा रहे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ यहाँ का रियल वीडियो का क्लिप। तो वीडियो देखिए पूरा। तो आपने अभी ये क्लिप दिखा कि किस तरह से यहाँ पर साउंड आ रहा है और किस तरह से आवाज़ आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने का डर रहता है। तो इसलिए इस वीडियो को ऐसे ही एंजॉय कीजिए और आगे भी पंडाल लगाए और आपको पूरा घाट तक का व्यू दिखाएंगे, तो मेरे वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो देखिए, सामने एक और पंडाल है जो कि ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने पर, और काफ़ी यहाँ पर बड़े पैमाने में पंडाल बैठाए जाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े और विशाल विशाल बैठाए जाते हैं।
तो जैसे लग रहा है कि पूरा बिहार उठकर घाट की तरफ जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सुंदर और आकर्षित लग रहा है देखने में। तो फाइनली हम घाट के पास पहुंचने वाले हैं और ये मेन पंडाल है जो कि जहां पर चंदा उंदा कलेक्ट होता है। और देखिए सामने पूरा घाट है सोन नदी का और वहीं पर सब जा रहे हैं पूरा दर्शन करने छठ का और छठ पूजा मनाने। तो हम अभी ऊपर अभी नीचे भी जाएंगे, तो देखिए हम नीचे जा रहे हैं और पूरा नीचे का भी हम व्यू दिखाएंगे, तो वीडियो पूरे बने रहिएगा। फाइनली हम नीचे आ चुके हैं और ये नीचे से कुछ इस प्रकार का व्यू आ रहा है, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसके आगे भी हम चल के आपके पूरा सोन नदी दिखाएंगे और सोन नदी का पूरा व्यू दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं। तो देखिए भीड़ एक तरफ जा रही है और हम आ चुके हैं फाइनली घाट के तरफ, सोन नदी के बालू पर यानी घाट पर आ चुके हैं। और भीड़ देख सकते किस प्रकार की है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कल सुबह भी भोर में आया जाएगा और वही लास्ट डे है, तो देख सकते हैं छठ में किस प्रकार से भीड़ लगता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और चहल पहल पूरा रहता है। तो अभी हम थोड़ा नदी के पास आ चुके हैं और नदी के पास से कुछ इस प्रकार का व्यू आ रहा है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में और बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी नदी में भी सब लोग गन्ना लगाए हैं और हम लोग अपनी अपना गन्ना ढोवा के आएंगे। देखिए मेरा भाई सामने से आ रहा है, तो कुछ इस प्रकार का व्यू है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और लोग अपने चद्दर और कम्बल बिछा कर सोन घाट पर बैठ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूजा होया जा रहा है, तो अभी कलश उलश बैठाया जाएगा। मुझे इस पूजा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, तो उसी बात वीडियो देख के एंजॉय कीजिए। गाइस हम दूसरे साइड आ चुके हैं सोन घाट के, क्योंकि यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं अभी सूर्य अस्त होने वाला है, जैसे ही सूर्य अस्त होने कुछ समय बाकी होगा तब यहाँ पे लोग अर्घ देंगे और अपने घर को जाएंगे। और ये अर्घ 36 घंटे का होता है, तो इसमें हम आवाज़ को म्यूट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें किसी प्रकार का म्यूजिक नहीं है। तो अभी हम व्यू दिखाएंगे घाट का, जो कि हम आपको दिखा भी चुके हैं। तो फाइनली गाइस सूर्य अस्त होने जा रहा है और लोग अर्घ देने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है और इस कलश पे हाथ लगाने पे बहुत पुण्य मिलता है, तो अगले टाइम हम भी लगाएंगे क्योंकि अभी हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए सूर्य अस्त हो चुका है और सभी अभी अपने अपने दौरा लेके उठेंगे और घर की तरफ जाएंगे और कल भोर 4 बजे आएंगे वापस इसी घाट पर। और अर्घ देने के बाद यानी सुबह सूर्य उदय के समय अर्घ देकर ठेकुआ खाएंगे और अपना व्रत तोड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।